नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। हरियाणा में आज से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को बुधवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से चुनाव से पहले ही नायाब सिंह सैनी को हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री फेस घोषित किया जा चुका था। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नायाब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक की सभी तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी थी। बैठक सुबह 10 बजे के आसपास शुरू हुई थी। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बटोली ने सभी पार्टी विधायकों को लगातार 2 दिन चंडीगढ़ में रहने के लिए कहा था। बंद कमरे में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए अमित शाह के स्वयं आने से चर्चाओं का बाजार गर्म था। कोई इसे मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के रूप में ले रहा था तो कोई अनिल विज और राव इंद्रजीत की दावेदारी को उठने से पहले ही खारिज करने की अमित शाह की पावर के रूप में देख रहा था। हालांकि बुधवार को आखिरकार इस तरह की सभी चर्चाओं में ब्रेक लग गया। आपको बता दें कि भाजपा के सूत्रों ने पहले ही बता दिया था कि पार्टी में नीतिगत फैसले सिर्फ एक बार होते हैं और यह चुनाव से पहले तय हो चुका था कि नायाब सिंह सैनी ही भाजपा सरकार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।